हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरा हनी भी बहुत अच्छा है। और आज मैं आप लोगों के साथ कोई भी ब्लॉग शेयर करने वाली नहीं हूँ। मैं आप लोगों के साथ मेरे एक सिस्टर है कि सब्सक्राइबर है, जो कि सब्सक्राइबर ना होकर मेरी एक सिस्टर है, फ्रेंड है। तो उन्होंने, हाँ उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था, बोला था बहुत सारे। हाँ चुप रहो थोड़ी देर। उन्होंने मेरे से बहुत बार कमेंट करके बोला था कि दी आप अपनी ज्वेलरी का कलेक्शन एक बार फिर से दोबारा दिखाइएगा प्लीज़ ढंग से। और मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं अपने इस ज्वेलरी कलेक्शन पे वीडियो, और उसको 2 साल होने वाले हैं मुझे लग रहा है उस वीडियो को, और उस पे 3 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं। और उस सिस्टर ने कहा था कि दी आप एक बार फिर से दोबारा अच्छे से दिखाना अपने ज्वेलरी कलेक्शन। उसमें समझ नहीं आया था हमको डिज़ाइन, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरा नया नया चैनल था और मुझे उतना पता नहीं था कि किस तरीके से वीडियो पे आना है। हाँ, ये देखो छोटे बच्चों के साथ यही दिक्कत है, ये कैमरे पे छेड़ते रहते हैं। नहीं बाबा, ऐसे नहीं करना है। तो थोड़ा मैं इसको खेलने के लिए लगाती हूँ ताकि मैं आप लोगों से अच्छे से वीडियो बना पाऊँ और बात कर पाऊँ। उसने कैमरा हिला दिया है और मैं सोच रही थी ये सो जाएगा उसके बाद वीडियो बनाऊँगी, लेकिन ये सोने वाला है नहीं। और अभी 12 बजने वाला था तो मैंने कहा चलो फटक से वीडियो बनाते हैं। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ चलो, मैं वीडियो शुरू करने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी आवाज़ आएगी, एक सेकेंड थोड़ा तकिया सही कर लूँ। बच्चे हैं ना, जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं उसमें ऐसे होता है। हनी ऐसे मत करो, टक टक मत करो, यहाँ आवाज़ आ रही है मुस्लिम को, तो बड़ी दिक्कत होती है। और शुरू करूँगी मैं मांग टिक्का से। तो ये मेरा मांग टिक्का है और ये उतर गया है, तो ये देख सकते हो आप, ये मेरा मांग टिक्का है। बहुत ही सुंदर है ये। और ये जो ज्वेलरी है ना, वो सारे मेरे मायके यानी मेरे मामा जी ने बनवाई थी, क्योंकि शादी भी मेरे मामा ने करवाई। तो ये आप देख सकते हो मेरा मांग टिक्का कितना प्यारा डिजाइन है, बहुत ही सुंदर। और एक एक करके लगा के रखते हो ना ऐसे करके, तो ये आप देख सकते हो लेके चले गया कहीं खोए और तोड़े ना। तो ये है मांग टिक्का। उसके बाद आते हैं नथ पे। तो मैंने बहुत लोगों को बताया भी था, बीच ब्लॉग के बीच में बताया था कि मेरी नथ टूट चुकी है। तो ये देख सकते हो ये झूमर निकल चुका है इस पे का, यहाँ पे बीच में झूमर था वो टूट चुका है। और इस तरीके से था यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लगता था। फोकस नहीं हो पाता ना, पता नहीं क्यों। तो ये आप देख सकते हो इतना सुंदर सा, तो ये झूमर इस तरीके से निकल चुका है। और मैं आपको नथ लगा के भी दिखाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी ठीक लग रही है, ऐसा नहीं है कि अजीब से लग रही है। अंदर नहीं डालूंगी मैं, इसी तरीके से लगा के दिखा। ये देखिए, तो अब इसका लुक कुछ इस तरीके से हो गया है। जब आप लोगों ने पहले देखा था होगा, पहले देखा था फर्स्ट वाले ज्वेलरी ब्लॉग में वीडियो में, उसमें झूमर था, अभी इसका झूमर निकल चुका है। तो ये इस तरीके की है नथ, देख सकते हो आप, मोर बना हुआ है छोटा सा। और ये पूरी गोल्ड की है टिकियाँ, तीन ये है और तीन ये, 6 टिकियाँ हैं गोल्ड की, आप देख सकते हो। तो बड़ी सुंदर सी। तो ये हो गई नथ। और अब आते हैं कान की तरफ, कान की तरफ नहीं, गले की तरफ पहले। तो ये है मेरा लॉकेट। हनी नहीं, नहीं नहीं, छेड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है। तो ये है मेरा लॉकेट, बड़ा सुंदर सा लॉकेट है, हार इसको बोलते हैं। और अब इसकी जगह पे दोबारा से शुरू हो गया ग्लोबन। और गढ़वाल में लॉकेट और ग्लोबन का तो बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलें, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, और ये चीज़ अब ख़त्म होने लग गई है और अब ग्लोबन दोबारा आने लग गया है। तो मैं सोच रही हूँ कभी मैं भी बनाऊँगी ग्लोबन। तो ये आप देख सकते हो मेरे हार का डिज़ाइन, फोकस नहीं हो रहा पता नहीं क्यों। ये देखो कितना सुंदर डिजाइन है, बहुत ही सुंदर। मैं बहुत कम पहनती हूँ, शादी ब्याह में भी मैं बहुत कम पहनती हूँ। और इसके साथ की ये है कान की बालियाँ। तो ये इसके साथ की कान की बालियाँ हैं, देख सकते, पहन के नहीं रख सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कान में पहने हुए हैं। तो ये इसकी बालियाँ हैं, बहुत सुंदर बालियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर।
और इसको भी नहीं पहनती हूँ मैं, बहुत कम पहनती ही नहीं हूँ, शादियों में भी नहीं पहनती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे है तो बहुत सुंदर लेकिन मनसा नहीं करता इसको पहनने का। कान के आप देख सकते हो एक जोड़ी मैंने ये पहने भी हैं, मैं हमेशा पहन के रखती हूँ इनको, ज़्यादा नहीं है मेरे पास कानों का कलेक्शन, तो एक ये है और एक मैंने सेट के साथ का है, दूसरा ये वाला है टॉप्स, एक सेकेंड, तो दूसरा है ये टॉप्स, दिखा देती हूँ निकाल के, दूसरे हैं ये टॉप्स, और ये जो टॉप्स हैं ये दिए थे हनी की बुआ ने, सबसे छोटी वाली बुआ ने, और इसके नीचे जो ये लटकन है ना वो मैंने खुद बनाए हैं, खुद मैंने खरीदे हैं, और ये देखो बड़े सुंदर से टॉप्स हैं, बहुत सुंदर से, मैं जब भी शादी शुदी में किसी भी शादी में जाती हूँ तो मैं इनको पहनती हूँ, इन टॉप्स को, ये देखो दूर रख के ना फोकस हो रहा है, नज़दीक जाके नहीं हो रहा, तो ये देख सकते हो आप कितने सुंदर से हैं टॉप्स। क्या लेके गए उसके अंदर क्या है, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, एको। हाँ तो दे दो मम्मी के पास दे दो, नहीं मैं कब क्या चीज लेके जाए पता नहीं, पता ही नहीं चलेगा, दे दो उसको, हाँ आप और चीजों से खेलो, हाँ मेरी काम ही यही है, हाँ हाँ ये सारे आपके काम के, खेलो। और ये हो गया कान का, गले का अब दिखाती हूँ मैं चेन, एक मेरी चेन ये वाली है ये, और ये पेंडल इसके साथ नहीं था, ये चेन जो है ये इसकी दादी ने मेरे को, गढ़वाल में सास भेंट होती है तो उसमें इन्होंने मेरे को पहनाई थी इन हनी की दादी ने, और इसके साथ ये पेंडल जो है ये अलग ना इसी पे था, हाँ इस पे पेंडल भी था ये, तो पेंडल के साथ ये चेन इन्होंने मेरे को पहनाई है, और हनी बहुत डिस्टर्ब कर रहा बहुत ज़्यादा। और अब आते हैं मेरे छोटे से मंगलसूत्र की ओर, तो नहीं नहीं छेड़ना नहीं, ये देखो ये हनी के पापा ने मेरे को पिछले साल ही करवा चौथ में गिफ्ट किया था, करवा चौथ में नहीं मेरी आई थिंक एनिवर्सरी या बर्थडे पे गिफ्ट किया था, ये बहुत ट्रेंड हुआ है आजकल, सब लोग ये बना रहे हैं छोटा सा मंगलसूत्र, जिसको आप साड़ी सूट जीन्स किसी में भी वेयर कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर दिखता है, तो ये आप देख सकते हो ये, तो एक ये है, और हनी दिखाओ इस इधर लेके आओ, इधर लेके आओ उसको बड़ा वाला, और बड़ा वाला मंगलसूत्र हनी लेके चले गया था, तो ये भी हनी के पापा लोगों ने बनवाई है ये मंगलसूत्र, खोलो नहीं खोलो नहीं, ये वाला ये भी काफी सुंदर है, तो आप देख सकते हो इस पे ये पत्तियां लगी हुई है, चार पत्तियां लगी हुई है, सुलटे सुलटा नहीं हो रहा, उल्टा होता जा रहा है, ये देखो एक दो पत्तियां ऊपर हैं दो नीचे हैं, तो इसमें चार पत्तियां लगी हुई है कि आप देख सकते, और ये कितना सुंदर सा लॉकेट है इसके नीचे, तो ये मंगलसूत्र है, और इसको मैं शादी ब्याह कहीं भी जाती हूँ मैं बहुत पहनती हूँ बहुत ज़्यादा, और बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये लॉकेट, तो इसको भी रख देते हैं इधर क्योंकि हनी छेड़खानी बहुत ज़्यादा कर रहा है। और अब आते हैं हाथ की तरफ, अब आते हैं मेरी कड़ों की तरफ, तो ये है मेरे सोने के कंगन जो कि मैंने चेंज करवाए हैं, और जो मेरी शादी के टाइम के थे जो मेरे मामा लोगों ने बनवाए थे वो वाले मैंने चेंज करवाए क्योंकि वो छोटे पड़ रहे थे और हाथों में जा नहीं रहे थे और ऐसा लग रहा था मुझे टूट जाएंगे, तो ऐसा फील हो रहा था, और इस वजह से मैंने हनी के पापा से कहा कि मुझे चेंज करवाने हैं अपने कड़े, और जो मेरा पिछला गोल्ड ज्वेलरी ब्लॉग वीडियो जो था उसमें वही वाले कंगन हैं जो पुराने वाले थे, और ये वाले हैं मेरे नए, और ये आप देख सकते हो, हनी खोना मत हाँ उनको, नहीं 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 ऐसे मत करो, नहीं मैं ये तो दिखा, हाँ तब दिखाना पीछे से दिखाओ आ जाओ, और ये है मेरे सोने के कंगन बहुत सुंदर लग रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, जो चीज़ आप एक बार बनाते हो ना, सोने की चीज़ें एक बार बनाते हो तो सोच समझ के बनाना, और ऐसा बनाना कि आपको वो तुड़ाना ना पड़े तोड़ना ना पड़े, क्योंकि जब मैंने ये तुड़वाए थे ये बनवाए थे नए, तो मेरे ये इसमें जो 5 ग्राम जो सोना था वो छीजन में गया था, और इस वजह से मुझे 5 ग्राम फिर से इसमें डालना पड़ा, तो ये 10-10 ग्राम के हैं, 20 ग्राम के ये मेरे कंगन हैं,
तो इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से है। फोकस कर वहाँ लेके जा रही हूँ तो नहीं दिख रहा है, तो ये मेरे रेड के कंगन है। अब आते हैं रिंग की तरफ। तो एक रिंग तो मैंने ऑलरेडी वेयर की हुई है, ये देख सकते हो आप, छोटी सी रिंग। और दूसरी मेरी रिंग है ये वाली, दिखा देती हूँ आपको, ये वाली, ये भी इसी की तरह है। ये इसको भी वेयर करके दिखा देती हूँ, ये देख सकते हो आप, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसके डिजाइन में थोड़ा सा। तो ये है दूसरी रिंग, और ये है मेरी तीसरी रिंग। ये मेरी मम्मी लोगों ने बनाई थी मेरी शादी के टाइम पे, तो ये देख सकते हो, ये थोड़ा पुराना लुक है। और पहले ये वाला जो डिजाइन था बहुत ज़्यादा चलता था, एक सेकंड थोड़ा कैमरा ऊपर कर, बहुत ज़्यादा चलता था ये वाला जो डिजाइन है, लेकिन अब ऐसा नहीं चल रहा, अब गोल में ज़्यादा चल रहा। तो एक डिजाइन ये है, एक रिंग ये है, और एक ये है गोल्ड एंड डायमंड की, जो कि हनी के पापा ने मुझे गिफ्ट करी थी एनिवर्सरी पे। तो ये आप देख सकते हो, तो 1 2 3 4, तो 4 रिंग है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है कलेक्शन, और मुझे शौक़ है, लेकिन बनाएंगे कोई बात नहीं। ये तो देख सकते हो आप, ये है मेरा रिंग का कलेक्शन। तो इतना है मेरा रिंग का कलेक्शन। अब आती हूँ मैं पायल की तरफ। तो ये है मेरी पायल, एक जोड़ी मैंने पहनी थी, और पायल का भी मुझे शौक़ है, लेकिन क्या होता ना, पायल बहुत जल्दी जो चांदी है ढीली पड़ जाती है, तो ढीली होती है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको संभाल के रख देती हूँ, मैं उसी को एक्सचेंज करा के नया लेके आती हूँ, क्योंकि रख के कोई फ़ायदा नहीं है। और ये आप देख सकते हो, एक जोड़ी ये है जो डेली वेयर में मैं पहनती हूँ, एक जोड़ी मैंने पहनी हुई है ऐसे में, और एक जोड़ी ये है, और ये जो है ये मेरी शादी के टाइम की है। ये आप देख सकते हो कितनी सुंदर सी है, इसको मैं बहुत कम पहनती हूँ, शादी ब्याह किसी फंक्शन में ही मैं इसको पहनती हूँ, अदरवाइज मैं इसको नहीं पहनती, क्योंकि काफ़ी हैवी है। ये आप देख सकते हैं, बड़ी सुंदर सी। तो ये है मेरे पायल का कलेक्शन। और मत करो हनी ऐसे। और ये टॉय रिंग है, बिछिए जिसे कहते हैं, ये देख सकते हो आप, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बट मैंने रखी हुई है, कभी बदलने के लिए चाहिए होते। तो ये है मेरी टॉय रिंग, तो ये है बिछिए, तो इतनी है, दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों फोकस नहीं हो पा रहा है, बड़ी सुंदर सुंदर सी है। तो ये है बिछिए, और इतना ही था मेरा कलेक्शन। हनी की चैन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई हुई है, हनी के पापा के पास भी है चैन, उन्होंने पहनी हुई है। और तो इतना ही था मेरा कलेक्शन। अगर आपको हनी ने डिस्टर्ब किया होगा तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, ऐसा होता रहता है, जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे उनको पता होगा कि उनके साथ कुछ भी काम करना इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है, बट उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जब हम कुछ करने वाले होते हैं। और एक बार ज़रूर बताइएगा ये बिना झूमर के ठीक लग रही है या झूमर के साथ ठीक लगेगी, क्योंकि यहाँ पे वो झूमर था लटकन सा छोटा, वो टूट चुका है, और मैं सोच रही हूँ इसको नहीं बनवाऊँ, मतलब उस झूमर को लगवाऊँ, बट कभी सोचती हूँ कि अगर इसको लगवाऊँगी तो उन पूरा ये खोलना पड़ेगा, इधर उधर से खोलना पड़ेगा, सोना क्या पता चोरी भी हो सकता है, विश्वास नहीं किया जा सकता किसी पे भी। तो आप लोग ज़रूर बताइए ऐसे ठीक लगेगी या फिर झूमर लगाऊं। हाँ तो चलिए फिर मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हाँ मैंने बता दिया, ज़रूर बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा आपको मेरा कलेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय बाय।